और तौते तूफान के ताजा हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ अश्विनी पांडे जुड़ गए हैं, टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता मुंबई से हमारे साथ हैं। हमारे साथ मोहित भट्ट मौजूद हैं दीव से, दोनों के पास चलेंगे। सबसे पहले अश्विनी आप ही के का रुख करूंगी, आपसे जानना चाहेंगे कि मुंबई में क्या हालात हैं अभी तौते की वजह से, किस तरह के राहत और बचाव के काम किए जा रहे हैं, ताजा स्थिति क्या है सबसे पहले तो वो बता दें। जी देखिए, जिस तरह से तेज बरसात हो रही थी सुबह और दोपहर में, वो स्थिति कुछ कंट्रोल हुई। अभी भी बारिश हो रही है लेकिन रिमझिम बरसात है। और आपको बता दें कि मुंबई के ऐसे तमाम इलाके हैं जो आज इस तौते तूफान की वजह से इफेक्टेड रहे हैं। खासतौर पे अगर हम साउथ मुंबई की बात करें तो पेडर रोड के इलाके पे जल जमाव की स्थिति, जो बहुत पॉश इलाका माना जाता है, देश के मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी वहाँ रहते हैं, वहाँ पर रोड पर कई जगहों पर पेड़ गिरा जिसकी वजह से रोड पूरा ब्लॉक रखा गया। इसके अलावा हम बात करें मध्य मुंबई की, तो वहाँ पर जल जमाव की स्थिति रही। वेस्टर्न मुंबई जो अंधेरी का इलाका है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जल जमाव रहा, अंधेरी सबवे को बंद रखना पड़ा। वैक्सीनेशन सेंटर जो दहिसर का है, उसको एक विंड वॉल बनाई गई थी ताकि जो कोविड सेंटर है उसको डैमेज ना हो, वो विंड वॉल भी टूट गई। इतनी तेज़ हवा चली कि विंड वॉल टूट गई। हालांकि इससे जो कोविड सेंटर है उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल कुल ये मिलाकर स्थिति ऐसी है कि अभी भी कुछ जगहों पे जल जमाव है और राहत बचाव कार्य के लिए बीएमसी के जो तमाम वार्ड्स हैं उन्हें पूरी तरह से एक्टिव रखा गया है। तमाम कर्मचारी इस वक्त सड़क पर हैं, जहाँ जहाँ पेड़ गिरे हैं उन्हें काट के हटाने का पूरा काम चल रहा है, रास्ता क्लियर करने का काम चल रहा है। एनडीआरएफ की करीब 3 टीमें इस वक्त मुंबई के अलग अलग बीचों पर मौजूद हैं ताकि कोई जान हानि जैसी। यहाँ से अश्विनी अब आगे की ओर यहाँ से बढ़ गया है तौते, लेकिन अभी कब तक और बारिश होने के बारे में मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी जा रही है? एयरपोर्ट को बंद किया गया था 8 बजे तक, क्या उसके बाद फिर फ्लाइट्स वापस सुचारू रूप से चल जाएंगी, क्या और जानकारी मिल रही है, कितना प्रभावित किया है और कितनी देर तक इस प्रभाव को महसूस किया जा सकेगा मुंबई में? जी देखिए, रात 8 बजे तक पहले बंद किया गया था, अब उसे बढ़ाकर 10 बजे तक एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद रहेगा। इस बीच 7 ऐसी जहाज़ें रहीं जिन्हें डाइवर्ट किया गया, 34 जहाज़ें कैंसिल की गई जो दिल्ली से भी ओरिजिन हो रही थी, मुंबई की तरफ आ रही थी, इन जहाज़ों को कैंसिल कर दिया गया है। फ्लाइट सब फिलहाल ये उड़ान नहीं भरेगी। 10 बजे के बाद एक दोबारा हर 2 घंटे का एक कॉल लिया जा रहा है। शुरुआत में सबसे पहले 2 बजे का समय दिया गया, फिर 4 बजे का, फिर 6, फिर 8 और अब 10 बजे तक का समय दिया गया है। 10 बजे के बाद भी अभी जिस तरह की स्थिति है, लगता नहीं कि 10 बजे के बाद भी एयरपोर्ट शुरू हो पाएगा, क्योंकि जल जमाव की स्थिति उस इलाके में भी है और खासतौर पर एयरपोर्ट के आसपास की स्थिति अगर हम बताएं तो लो लाइंग होने की वजह से वहाँ पर भी जल जमाव होता है। ऐसे में 10 बजे के बाद भी उम्मीद नहीं है कि एयरपोर्ट चालू होगा। उसके बाद यानी कि 11 से 11:30 के बाद अगर जिस तरह की अभी रिमझिम बरसात हो रही है, अगर ये थम जाती है तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि शायद एयरपोर्ट एक बार फिर से सुचारू रूप से चले, लेकिन फिलहाल कोई उस पर आसार दिखाई नहीं देते। जी अश्विनी, लेकिन साथ ही ये भी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि ये तौते अब यहाँ से मुंबई से आगे की ओर बढ़ा था द्वीप की तरफ और द्वीप से अब गुजरात के तट की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो क्या और तौते को लेकर और उसके प्रभाव को लेकर जानकारी मिल रही है मौसम विभाग से? ये देखिए, मौसम विभाग से हमारी दोपहर में बातचीत हुई थी, तभी उन्होंने कहा था कि ये तूफान 8 से 11 के बीच में पोरबंदर में हिट करेगा। तो 8 बज चुके हैं, आप समझिए कि अगले कुछ मिनटों बाद या अगले 1 घंटे 1.25 घंटे के बाद ये पोरबंदर में हिट कर सकता है और 11 बजे तक का समय, यानी 8 से 11 के बीच में हिट करने का समय है। मुंबई में उसका असर बहुत ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह से अलर्ट आया है उसके मुताबिक कल भी बरसात और हवाएं चलेंगी तेज, लेकिन जो स्थिति आज थी उतनी स्थिति शायद कल खराब नहीं होगी। आज जिस तरह से हमने देखा, सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही थी, बहुत जगह पर, जैसा मैंने पहले बताया कि बहुत जगहों पर पेड़ गिरे और कोविड सेंटर के पास जो विंड बनाई गई थी वॉल विंड, वो नुकसान लेकिन हो गई। अच्छी तो बात है अश्विनी की, अब संभावना नहीं, लेकिन बारिश यहाँ से गुजर चुका है, यहाँ से गुजर चुका है, लेकिन काफ़ी नुकसान उसकी वजह से नहीं हुआ है, लेकिन जो हुआ है उसको लेकर वहाँ पर रात का काम चल रहा है तेज़ी से। बारिश ज़रूर होगी जैसे कि अश्विनी बता रहे हैं, लेकिन उस तरह के हालात नहीं रहेंगे। अब देखना यह है कि गुजरात के तट पर जब यह हिट करेगा तो वहाँ किस तरह के हालात बने रहेंगे, उससे जुड़ी जानकारी भी आपको आगे देते रहेंगे लगातार। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।